नमस्कार, आप देख रहे हैं 10Z+। मैं हूं सिद्धार्थ और आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हो चुकी है। अभी हम पटना सचिवालय स्थित नौलखा दुर्गा मंदिर में हम लोग हैं और यहाँ पे एक तरफ पूरे बिहार में बाढ़ और बारिश का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था का एक दूसरा स्वरूप भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो शख्स मेरे पीछे खड़े हैं, इनका नाम नागेश्वर बाबा है और ये जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार ये शायद 21 साल से अपने सीने पर 21 कलश को लेकर के यहाँ पर पूरे 9 दिन यहाँ पर रहते हैं। तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस आस्था के पीछे इनकी क्या वजह है और ये माता के दरबार में इस उपासना या इस आस्था को लेकर के क्या मनोकामना लेकर के ये माता के दरबार में बैठ सोते हैं 21 कलश को लेकर के। 21 कलश अपने सीने पे आप रखे हुए, इसके पीछे क्या वजह है, आस्था का क्या वजह निकलता है कि आप कुछ मनोकामना क्या मांगते हैं जिसको लेकर के 21 कलश आप यहाँ बैठे हैं? पिछले 23 साल से लगातार मैं अपने छाती पर कलशा माँ की चरणों में रखते आया हूँ और जब तक जीऊँगा रखते रहूँगा। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। और इस बार तो माँ हाथी पर आए हैं, हथियार नक्षत्र है और विशेष रूप में पानी लेके माँ आ गए हैं। अभी तो जनता और भाइयों बहनों के घर घर में कष्ट है, घर से निकल नहीं रहे हैं, मंदिर मंदिर में पहुंच नहीं रहे भक्त श्रद्धालु और पुजेरी पंडित के भी कष्ट है, जो सौर सामान लाने जुटाने पूजा पाठ में बड़ी कठिनाई से हो रही है। नाम नागेश्वर दास। अच्छा, इस बार अभी पिछले 3-4 दिनों से बिहार में बाढ़ और पानी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के जान माल की भी नुकसान हो रही है, तो क्या इस नवरात्र में आप माँ से ये विनती करते हैं कि इस तरह की जो भयावह जो स्थिति है बिहार में, आपदा का जो स्थिति है, उसे निपटारा हो? विनती तो करते हैं माँ के, लेकिन प्रकृति तो किसी को बस में है ये नहीं है, ये प्रकृति से होता है और प्रकृति मालिक के हाथ में, वो जब जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, आप 9 दिन ऐसे रहते हैं, खाते खाना पीना क्या होता है, आप क्या खाते पीते हैं? मैं नित्य क्रिया कर्म से वंचित रहता हूँ और 2 दिन पहले उपास में आ जाता हूँ और माँ की कलशा उतरने के बाद 2 दिन बाद आते हैं अनावर पानी में। तो आप मतलब पानी वानी क्या क्या पीते हैं? कुछ कहे नहीं, हवा हवा द्वारा रहना। अच्छा, पानी भी नहीं पीते हैं? कुछ कहे नहीं। इस कलश का कितना वजन है? इस कलश के वजन है 17 किलो 900 ग्राम और 8 फीट 9 इंची हाइट है। आप यहाँ के पुजारी हैं जी, इस मंदिर की क्या प्राचीन क्या है, इस मंदिर की विशेषता? मंदिर की विशेषता कि यहाँ जो भी भक्त जो कामना मांगते हैं उनकी कामना पूर्ति होती है, माँ उनको मनोकामना पूर्ण करते हैं और माँ के साधना में आप सच्चे मन से लगी है तो माँ अपनी शक्ति दिखाती भी है कि हमारे ही शक्ति से दुनिया चलती है, जो कुछ हो रहा है वो सब माँ के ही कृपा से होती है। देखिए, इस मंदिर के व्यवस्थापक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंदिर बहुत पुरानी के सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है, इसको जीर्णोद्वार करके इस करार खड़ा किया गया है। ये बाबा का ये 23वां साल कलश लिए हुए है, 21 कलश अपने सीने पर लेकर लेटे हुए हैं, ये अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर ये लेटे हुए रहते हैं। यहाँ कोई देखावटी पूजा नहीं होती है, बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं भक्तगण और देश विदेश से भी
लोग फोटोग्राफर लोग आते हैं यहाँ, इनका लाइव करते हैं और लाइव करके अपने देश में ले जाते हैं। ये बहुत चर्चित मंदिर है, यहाँ जो आप मांगेंगे शक्तिपीठ मंदिर जो मांगेंगे आपको मिलेगा, यहाँ कोई किसी तरह का कोई ढकोसला नहीं है। अभी जैसे बिहार में बाढ़ और बारिश एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे जान माल की क्षति हो रही है या फिर जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है, तो क्या ये भी इसमें भी? हाँ, बाबा से भी कामना किया, हम लोग भी नवरात्रा में हैं। अभी जो वर्तमान में जो पानी से पूरे पटना पूरे बिहार त्राही त्राही है, हम लोग कामना कर रहे हैं भगवती से कि माँ अब इसको रोको, जितना पानी देना था तुमने दे दिया, अब इसको रोको, अब देश में जो आर्थिक मंदी है उसको भी तुम सुधार करने का काम करो। इस पानी से गरीब हो या अमीर हो, या आर्थिक मंदी से गरीब हो या अमीर, सब त्राही त्राही मचा हुआ है, तुम इसको सुधार करने का उपाय करो। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि ये 21 साल से यहाँ पे अपने छाती पे कलश लेकर के हर साल यहाँ पे नवरात्र में ये बैठ सोते हैं, और इस बार जो है इनका जो खास जो मकसद है वो बिहार में जो बाढ़ और जो पानी की जो त्रासदी से जो यहाँ की जनता झेल रही है उससे ये मातिया से विनती करेंगे कि उससे बिहार की जनता को जल्द से जल्द उबारे। बिहार के साथ देश और दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।